वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा गवर्नमेंट ने जो टैब डिस्ट्रीब्यूट करे थे उसमें व्हाट्सएप, यूट्यूब या इंस्टाग्राम या कोई भी आपके लर्निंग एप्लीकेशन जैसे बायजूस हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, इन सबको किस तरह से आपको रन करना है। सबसे पहले आपको पावर बटन दबा के अपने टैबलेट को जो है पावर ऑफ कर देना है, कुछ इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। सो गाइस ये स्विच ऑफ हो चुका है। अब आपको वॉल्यूम अप बटन एंड ये जो पावर बटन है इन दोनों को एक साथ आपको प्रेस करना है कुछ इस तरह से जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपके सामने। कुछ सेकंड्स के लिए आपको इनको प्रेस करना है। चलिए वेट करते हैं। सो गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको वॉल्यूम डाउन बटन से नीचे जाना है, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। सो वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो आप। अप डाउन के लिए वॉल्यूम बटन का यूज़, देन आपको पावर का बटन दबाना है सिलेक्ट करने के लिए, देन डाउन करना है, देन पावर। अब आपका फ़ोन गाइस इरेज डाटा हो रहा है इसका कंप्लीट। अब आपको पावर फिर से दबा देना है, रिबूट सिस्टम ना हो पाए। चलिए वेट करते हैं। यहाँ पे इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 5 से 6 मिनट। गाइस वीडियो को गाइस गलत इस्तेमाल मत करना, ये टैबलेट सरकार ने जो स्टडी के लिए दिया है तो उसको स्टडी में यूज़ करें तो बेटर है। गाइस जो मैं प्रोसेस बताऊंगा ये सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं है, इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं है। और वापस आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हो, वो सारा प्रोसेस इसी वीडियो में बताएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। इसके बाद कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉलिंग होंगी इसमें जो पहले से आई थी, वो डाटा इसमें इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद कुछ वेलकम का इस तरह से पॉपअप आएगा आपके सामने, आपको सिंपली स्टार्ट के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है, देन अपना वाईफाई जो ऐड कर लेना है इसमें। वाईफाई करना का इस फ़ोन का डाटा यूज इसमें कनेक्ट नहीं करना। अब आपको वॉल्यूम अप एंड पावर की फिर से दबानी है आपको सिंगल टाइम, वन टाइम दबा के आपको छोड़ देना है, देन टॉक बैक आपके सामने आ जाएगा। अब आपको गाइस नीचे से उल्टा एल टाइप करना है। चलिए मैं टाइप करके बता देता हूँ आपको इस कुछ इस तरह से। एंड आपको यूज़ वॉइस कमांड पर सिंगल टैप करके देन डबल टैप कर देना है आपको। सिंगल टैप करके उस पर डबल टैप करना है आपको।
एंड आप कुछ स्पीक कर देना है, गूगल असिस्टेंट करना है आपको। अगर आप और कुछ करते हो तो ये कमांड नहीं देगा, आपको गूगल असिस्टेंट ही बोलना है इसमें। शायद इसने सुना नहीं, तो गाइस चलिए फिर से बैक करके दिखाता हूँ आपको। एंड फिर से आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दबाना है, ये ऑफ हो जाएगा। फिर से आपको दबाना है, ऑन हो जाएगा टॉक बैक। फिर से आपको उसी तरह से कुछ एल टाइप का बनाना है नीचे से ऊपर। एंड यूज वॉइस कमांड पर डबल टैप करना है। देन आपको गूगल असिस्टेंट इसमें बोल देना है, स्पीक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको यूट्यूब टाइप करना है, स्पीक करना है। प्ले यूट्यूब वीडियो टेक्नो गेमर और डोरेमोन। सर्च का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से गूगल भी यूज कर सकते हो, टाइप वगैरह भी कर सकते हो। ये टॉप स्टोरीज आ चुकी हैं जो अभी ट्रेंड में चल रही हैं। चलिए हम आपको यूट्यूब यूज करके दिखाते हैं। इसमें गाइस वही एप्लीकेशन चलेंगे जो इसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड थे, आपने जो देखा होगा पहले नेटफ्लिक्स वगैरह आ रहे थे, सेटिंग्स पर क्लिक करके वही एप्लीकेशन आप यहाँ से इस तरह से चला सकते हो। वहाँ से डायरेक्ट वो चल नहीं रही थी, बट इस तरह आप चला सकते हो। कीपैड भी आ चुका है गाइस इसमें, सो आपको या फिर माइक भी यूज़ कर सकते हो या आप टाइप भी कर सकते हो। प्ले टेक्स्ट पावर ऑन यूट्यूब डोरेमोन। गाइस वीडियोस आ चुकी हैं, अब गाइस टॉक बैक को ऑफ कर देते हैं। उन्हीं की को दोबारा दबाकर वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को दबाकर टॉक बैक भी ऑफ हो चुका है। काफ़ी स्मूथ चलेगा आपका फ़ोन। टॉक बैक से गाइस थोड़ा सा लैगिंग सा चलता है फ़ोन, जो भी टैबलेट है। अब आपको यहाँ पे चाहे तो आप अकाउंट भी बना सकते हो, कोई भी चैनल अपना सर्च कर सकते हो। सो गाइस सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, लाइक करना वीडियो को। सो चलिए देखते हैं प्ले स्टोर किस तरह से इसमें इंस्टॉल करना। आपको सेटिंग्स में जाना है, अबाउट में जाना है। इसमें से आप कोई भी ऑप्शन टर्म कंडीशन या फिर पॉलिसी कोई भी चूज कर सकते हो। क्रोम में रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब आप ऊपर न्यू टैब पे क्लिक करके प्लस के आइकन पे, और भी टैब इसमें यूज़ कर सकते हो, ऐड कर सकते हैं। मैं चलिए आपको सारी साइट्स दिखाते हैं इसमें क्या क्या ऑलरेडी ऐड है जो हम यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी एप्लीकेशंस है गाइस, ये वेबसाइट वेदांत वगैरह, ये सब भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं टाइप करके दिखा देता हूँ। Spotify, ये भी उसमें प्री इंस्टॉल्ड था पहले, बट गवर्नमेंट ने इस पर भी प्राइवेसी लगा रखी थी, ये अब चल रहा नहीं था। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, या फिर चलिए और भी एप्लीकेशन दिखाते हैं आपको। आप यहाँ पे साइन इन करना है आपको पहले। अगर गाइस गवर्नमेंट ने जो सिम आपको दिया हो, अगर आप उसका नंबर पता करना चाहते हो, तो आप क्रिएट अकाउंट करके माईसेल्फ करके इस तरह अदर डिवाइसेस में जीमेल तैयार कर सकते हो, करते हैं उसी तरह से इसमें भी तैयार कर सकते हो। सो गाइस मैंने ऑलरेडी इसमें कल आईडी बना ली थी, मैंने वो लॉगिन कर लिया इसमें। स्पॉटिफाई इंस्टॉल। सो गाइस ये व्हाट्सएप वगैरह ये सब तो होंगे नहीं इसमें, क्योंकि ये उनकी प्राइवेसी में नहीं है। उन्होंने कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन दे रखे थे, वो आप प्ले स्टोर से अपडेट और इंस्टॉल कर सकते हो। ये फ्री फायर वगैरह ये सब भी इसमें नहीं चलेंगे। बट गाइस अगर आप रियल में अपन को प्ले करना चाहते हो, तो गाइस कमेंट करिए
मैं ज़रूर इससे रिलेटेड वीडियोज़ लाऊँगा। प्ले कर सकते हो गाइस, बिल्कुल कर सकते हो, पर गाइस वो सिक्योरिटी में नहीं रहेगा, फिर इसमें थोड़ा रिस्क है गाइस। ये गवर्नमेंट डिवाइस है, स्टडी के लिए मिला है तो इसको स्टडी के लिए यूज़ करना चाहिए ना, थोड़ा बहुत फन तो चलता है। जो भी इसमें इंस्टॉल थी उनको अपडेट कर लेता हूँ मैं। सो गाइस आपने यूट्यूब चलाना भी सीख लिया तो चलिए और अदर एप्लीकेशंस आपको चला के दिखाते हैं। इसमें जैसे PW हो गया, ये देखिएगा इस Spotify पे इंस्टॉलिंग लिखा रहा है। चलिए क्रोम में देखते हैं यूट्यूब चला के, यूट्यूब या जो भी वेबसाइट्स हैं इनको गिनो टाइप भी आप चला सकते हैं। इसमें ओपन पे सिंपली क्लिक कर दें। मैंने फेसबुक वाला गाइस देख सकते हैं ऑलरेडी इसमें यूज़ किया है। अगर गाइस आपको वीडियो में दिक्कत आ रही है, कोई भी इश्यू आ रहा है तो सिंपली आप जल्दी कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब आपको गेम प्ले करना दिखाते हैं इसमें, किस तरह से आप कोई भी गेम प्ले कर सकते हो। ज़्यादा हार्ड गेम नहीं, लाइक फ्री फायर, पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी इस तरह गेम नहीं खेल सकते अभी, बट जैसे टेम्पल रन हो गया, नॉट ड्राइविंग होगी, इस तरह गेम्स आप इसमें खेल सकते हो। चलिए सब बेस अब खेल के दिखाते हैं। ये 7 MB कुछ का पैकेज डाउनलोड ले रहा है, कोई नहीं इतना तो चलता है। गेम प्ले का ठीक है, इतना भी ज़्यादा लैगिंग नहीं है, ऑनलाइन चलता है वैसे। मुझे तो गाइस काफ़ी ठीक लगा इसका गेम प्ले। एक बार ट्राई करना आप भी। तो मैं जानबूझ कर आउट हो गया, चलिए और गेम दिखाते हैं आपको, लाइक टेम्पल रन ये रहा। चलिए प्ले करते हैं इसको भी। ये मांगी काफी अच्छा लग रहा है इसके, इसमें Thank you.
चलिए गाइस, और गेम्स भी हैं, आप कोई भी गेम प्ले कर सकते हो, रेसिंग के आप सर्च भी कर सकते हो इसमें, पॉपी नाम से वेबसाइट है। चलिए आपकी तसल्ली के लिए इसमें फ्री फायर आपको सर्च करके दिखाते हैं। नीचे आपकी हिस्ट्री आ जाती है रिसेंटली प्लेड गेम्स की, कार गेम्स भी इसमें काफ़ी अच्छे हैं। फ्री फायर डालते चलिए, क्या आता है, कुछ बैटल टाइप गेम ही आएंगे शायद। बैटल रॉयल गेम्स, एरकेड गेम्स हैं इसमें ज्यादातर। सो वेल गाइस, हमने बता दिया गेम भी कैसे खेलते हैं, आप शूटर भी इस तरह से काफ़ी सारे गेम्स खेल सकते हो। बट गाइस, ये गवर्नमेंट ऐप है, फिर से कह रहा हूँ एक बात को, आप इसको ही वो कॉनली और स्टडी के लिए यूज़ करें तो बेटर रहेगा। चलिए गाइस, अब आपको इंस्टाग्राम पे दिखा देते हैं। क्रोम में आप इंस्टाग्राम या कोई भी फेसबुक वगैरह, टेलीग्राम जी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। टेलीग्राम तो खैर शायद से वेबसाइट पे नहीं है, बट वैसे अदर जो आप इसमें वेबसाइट वाले एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। सिंपली यहाँ से लॉग इन कर लेना गाइस। प्ले स्टोर से कैसे इंस्टॉल होने वाला नहीं है तो भूल जाओ इसको। अगर आप वेबसाइट से चलाना चाहते हो तो वेबसाइट से इसको चला सकते हो आराम से। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस लाइक करना। सो ये सब आपको बताते हैं वापस फ़ोन नॉर्मल कैसे करना है। अब आपको बैक करते जाना है, नीचे जो एरो आ रहा है इसी पे क्लिक करते रहना है जब तक स्टार्ट वाला कोई इंटरफेस ना आ जाए, स्टार्टिंग में आया था रिबूट करने के बाद। चलिए बैक करते हैं इसको, बैक बैक। सो गाइस, डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, हमने ओके कर दिया है। अब यहाँ से गाइस सिंपली आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट के बटन पर आपको क्लिक करके स्टार्ट कर देना है। देन आपको आई हैव रीड ऑल नेक्स्ट, देन सिंपली आप जैसे करते हो नेक्स्ट करते जाना गाइस, नॉर्मली वापस पहले तरह हो जाएगा पहले की जैसा। देन आपको वापस से ऐसे ही करना है तो आप फिर से रिबूट वगैरह करके आप कर सकते हो, बट मैं इससे आगे नहीं करता, मैं यहीं पर रखता हूँ गाइस अपनी स्क्रीन को और अदर एप्लीकेशन चलाता हूँ इसी तरह से। सो इसमें कोई रिस्क नहीं है गाइस, आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल में जाना चाहते हो आप नेक्स्ट करके जा सकते हो, बट मैं यहीं से बैक ले लेता हूँ। तो बाय गाइस।